रिसेंटली मेरे एक एनआरआई क्लाइंट ने मुझे सवाल पूछा कि मैं पिछले 4 साल से यूएस में हूँ, तो मुझे अगर एग्रीकल्चर लैंड इंडिया में लेना है तो मैं क्या कर सकता हूँ। हाय, मेरा नाम रेशमा हाजीते हैं, मैं रियल एस्टेट में लैंड इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट हूँ। पिछले 12 साल में मैंने 1200 से अधिक लोगों का लैंड लेने का सपना पूरा किया है। अगर आप एनआरआई हैं और आप इंडिया में रेसिडेंशियल या कमर्शियल प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट की सोच रहे हैं तो आप डायरेक्टली कर सकते हैं, बट अगर आपको एग्रीकल्चर लैंड ओन करनी है तो वो आप ओनली इनहेरिटेंस से ही कर सकते हो, यानी आपके मम्मी या पापा ने आपके नाम से अगर विरासत में जमीन रखी हुई है एग्रीकल्चर, तभी आप एग्रीकल्चर लैंड बाय कर सकते हो। आप उनके नाम से फंड ट्रांसफर कर सकते हो आपके अकाउंट से अगर उनको एग्रीकल्चर लैंड बाय करनी है तो, बट आप डायरेक्टली वो लैंड डायरेक्ट थ्रू सेल डीड ओन नहीं कर सकते हो। अगर आपके एग्रीकल्चर लैंड रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हैं तो यू कैन गेट इन टच विद अस। थैंक यू।